दुर्ग जिले में शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में पुलिस बैंड वादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने किया। भिलाई के सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस ब्रास बैंड प्रथम वाहिनी की बैंड टीम ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी और शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति को संजोने के साथ ही राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूं कि ये अवसर उन तमाम शहीदों को याद करने के लिए है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण पेश किया। इस अवसर पर शहीद परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और हम यहां पे जो एनएसएस के बच्चे, एनसीसी के बच्चे जो आए थे, और उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि देश सबसे बड़ा होता है, हमारे लिए देश प्रथम है, उसके बाद हमारा अब खुद है। इसलिए देश के प्रति हमें निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ हमारा जो कर्तव्य है उसको करते रहना चाहिए, और इसको एक डिसिप्लिन तरीके से आप अगर करेंगे तो निश्चय ही आप जीवन में जो चाहेंगे, जो भी आपके सपने होंगे, उस सपनों को साकार करने में अपने आप को सफल पाएंगे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने दुर्गा उत्सव के दौरान सेवा देने वाले एनसीसी और एनएसएस के छात्रों के अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस बल के आला अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे।